और सीएम खट्टर दो देशों की यात्रा पर सोमवार सुबह रवाना हो रही हैं, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, इसे प्रदेश की वित्तीय हालत पर बोझ बता रहा है। लेकिन सीएम विपक्ष के हर हमले का जवाब खुलकर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो विदेश दौरा मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के हित के लिए कर रहे हैं। प्रदेश की वित्तीय हालत पहले से बेहतर उन्होंने बताई। सीएम मनोहर लाल खट्टर दो देशों इजराइल और ब्रिटेन की यात्रा पर सोमवार सुबह रवाना होंगे। सबसे पहले वो इजराइल जाएंगे, जिसके बाद ब्रिटेन का दौरा करेंगे। सीएम को दोनों देशों की विदेशी यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। सीएम का कहना है कि इजराइल दौरे का मकसद 2008 में हरियाणा और इजराइल के बीच हुए कृषि समझौते को 3 साल के लिए और बढ़ाना है, साथ ही दोनों देशों के बीच विकसित हुए आपसी सहयोग का प्रदेश को फायदा दिलाना है। वहीं ब्रिटेन दौरे का मकसद प्रदेश में निवेश को बढ़ाना है। सायकल 4:30 बजे की फ्लाइट से इसराइल के लिए रवाना हो रहा हूं। दो देशों का मेरा ये टूर है, इसराइल का और यूके का। तो इसराइल में मेरा पहली बार जाना हो रहा है और मुख्य रूप से वहाँ के जो डिप्लोमेट्स जो यहाँ आते रहे हैं, क्योंकि पहले से हमारा भारत का और इसराइल का एक कुल मिलाकर चल रहा है, हमारा एक एक्शन प्लान जो 2008 में शुरू किया था, उस 2008 के प्लान में 10 साल तक वो लागू किया गया था। लेकिन 10 साल समाप्त होने पर ये ध्यान में आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारा बहुत अच्छी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो उस एक्शन प्लान को हमने 3 साल के लिए और बढ़ाया। वहीं विपक्ष के विदेश दौरे पर सवाल उठाने का भी सीएम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारा विदेशी दौरा पहले के सीएम के विदेशी दौरे से अलग रहता है। हम मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास के लिए दौरा करते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के वो पंजाबी में कहावत है कि आटा गुंदी हल्दी क्यों है, समझते हैं? तो ये हलचल हलचल होती रहती है और जिसने जो काम करना करना है, हमने अपने प्रदेश के हित में जो चीज हमको अच्छी लगती है हमने करनी है और प्रदेश के हित में कर रहे हैं। कोई हमारा मनोहर लाल का शौक नहीं है घूमने का। हम तो जब भी गए हैं कम से कम समय में, नहीं तो ऐसे ऐसे इतिहास हैं इन लोगों के, पिछले अगर रिकॉर्ड उठा करके देख लेंगे कि पूरे दिन में एक सिंगल कार्यक्रम करते थे सरकार का, एक सिंगल कार्यक्रम आधे घंटे का, एक घंटे का, 23 घंटे मौज मस्ती करते थे। और मैं जब भी जाता हूं विदेश में तो 15-15 घंटे 16-16 घंटे वहां काम करता हूं। एक एक दिन में 15-15 मीटिंग्स मेरी होती हैं, चाहे वो 1-to-1 हो चाहे सामूहिक। विदेशी दौरे पर होने वाले खर्च को लेकर भी सीएम खट्टर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खर्च कोई ज्यादा नहीं है। यदि वो चंडीगढ़ से दिल्ली का हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं तो 4.5 लाख रुपए खर्च आता है। इन दौरों के कारण से वित्तीय स्थिति का कोई मतलब नहीं है। ये दौरों का खर्च इतना नहीं होता है कि जिसके कारण से इसको एक हो हल्ला मचाया जाए। आखिर खर्चा तो मैं यहाँ से दिल्ली जाता हूँ तब भी मेरा एक हेलीकॉप्टर का एक ट्रिप पड़ता तो 4 लाख रुपए पड़ जाता है। प्रदेश के वित्तीय हालत और बढ़ते कर्ज पर विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि हमारा कर्ज पहले की सरकार के मुकाबले ही है। हमारे समय में प्रदेश की GDP बढ़ी है तो हम ज्यादा कर्ज ले पा रहे हैं। जो कर्ज लिए जा रहे हैं वो प्रदेश के विकास के लिए है। कर्जा हमारा लिमिट के अंदर है और लिमिट के अंदर है, लेकिन उस कर्जे को हमने बढ़ाया अपनी SGDP के हमारे बढ़ते हुए स्वरूप के कारण से। आखिर जो पिछली सरकार कर्जा नहीं ले पाई, परसेंटेज हमारी वही है जो पिछली सरकार में थी, 3% का। कितने परसेंट में हमारी? 3%। 3% के अंदर है। 3% के अंदर हमारा कर्जा, उस समय भी 3% के अंदर था, आज भी 3% के अंदर है। परसेंटेज वाइज हम कहीं बढ़े नहीं है और हम इन वेरी, जिसको कहना चाहिए, कंफर्टेबल स्थिति में है कि हम अपने आर्थिक, यानी हमारा जो स्थिति है, हमारी जो क्या इसको बोलेंगे, वित्तीय स्थिति, तो वित्तीय स्थिति हमारी कमजोर नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य, मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हमारे पड़ोसी राज्य की स्थिति ऐसी है कि वो तो तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। सीएम को अपने विदेशी दौरे से प्रदेश में कृषि विकास बढ़ने की जहां उम्मीद है, वहीं विदेशी निवेश भी बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम का यह दौरा कितना कामयाब रहता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। और गोहाना पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने सीएम के विदेशी दौरे को लेकर
निशाना साधा। शायराना अंदाज में बोलते हुए अशोक तंवर ने कहा कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कार्यकाल के 6 महीने बचे हैं, जितना घूमना है घूम लीजिए। मुख्यमंत्री कई बार विदेशी दौरे पर गए हैं लेकिन आज तक प्रदेश को हासिल कुछ नहीं हुआ। तंवर ने कहा कि हरियाणा की जनता को मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और मुख्यमंत्री के दौरों से कोई निवेश नहीं मिला, लेकिन इन मंत्रियों, मुख्यमंत्री, विधायकों, सांसदों को कुछ ना कुछ जरूर मिलता रहा होगा, इसी वजह से बार बार दौरे कर रहे हैं। देशों में कई बार चले गए, हासिल हरियाणा को कुछ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, उनको हो सकता है कुछ हासिल हुआ हो, ना निवेश है, ना कहीं उद्योग धंधे हैं, ना रोजगार है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं तो 2 लाख रोजगार देने का जो वायदा किया था वो भी पूरा नहीं कर सकता। उधर मोदी जी कह रहे हैं 2 करोड़ का वायदा किया था वो भी, तो ये तो ना तो इनकी नीयत ठीक है ना नीतियाँ ठीक है, और इसीलिए पूरा देश और आज हरियाणा प्रदेश पूरी तरीके से उनका आदर्श झेल रहा है, और उसकी वजह से एक गलत प्रभाव हमारे पूरे प्रदेश के ऊपर पड़ा है, रोजगार के ऊपर पड़ा है, हमारी कृषि के ऊपर पड़ा है, हमारे उद्योग धंधे के ऊपर पड़ा है। अब और 6 महीने की बात है, जितना घूमना घूम ले, चंद दिन की, 4 दिन की चांदनी फिर दे।